हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम देखते हैं एमपी स्पेशल का 14वां पार्ट, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। ठीक, आपको बता दें एमपी में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं और अभयारण्यों की संख्या है 28। टाइगर रिजर्व हैं, रिजर्व 6, जो कन्या किसली, पैंच, पन्ना, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय। ठीक, आपको बता दें यहाँ की यहाँ एक खरमोर अभयारण्य दो हैं, एक धार में, एक सैलाना रतलाम में। सोन चढ़िया चढ़िया अभयारण्य दो हैं, करेरा और घाटिया। ठीक, घड़ियाल अभयारण्य तीन हैं, चंबल, सोन, कैन। राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संरक्षण दो हैं, डिंडोरी एंड मंडला में, फर्स्ट डिंडोरी में फिर मंडला में। ठीक, आपको बता दें यहाँ वन्य प्राणी संरक्षण कन्या राष्ट्रीय उद्यान में है। विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य है सुसने आगर मालवा जिले में। ठीक, सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही सागर में है, सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल इंदौर में है। एशियाई शेरों बब्बर पाए जाते हैं, गिरी उद्यान गुजरात से, इन्हें पालनपुर कूनू शिवपुर में शिफ्ट किया जाने की योजना है, किए जाने। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का 10वां है, एमपी का फर्स्ट है, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो उद्यान की तो सबसे बड़ा है कन्या किसली और सबसे छोटा है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना स्थित अभयारण्य जंगली भैंसों के लिए, भैंसा पाए जाते हैं इसमें। एमपी का एकमात्र सर्व उद्यान है भोपाल में, बैंडरी बारहसिंगा कृष्ण में, एक कन्या किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। आपको बता दें 1 नवंबर 1981 को राज्य का पशु घोषित किया गया है बारहसिंगा। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना 1974 कन्या किसली में चलाई गई थी, यूएसए नेशनल पार्क सर्विस सहयोग से। रेप्टाइल पार्क है पन्ना में, सफेद शेर पाए जाते हैं रीवा में। जंगल गलियारा योजना कन्या किसली और बांधवगढ़ में चलाई गई। रीवा में टाइगर सफारी है, सर्प उद्यान उज्जैन में प्रस्तावित है, अभी मतलब बनानी है, बनने की योजना है। देश में 25 आद्य भूमि है, ठीक है, जिसमें एक भोज स्थल भोपाल में है। पालो रेंजर प्रशिक्षण केंद्र है भोपाल में, रेंजर का प्रशिक्षण दिया जाता है। वनपाल वन रक्षक प्रशिक्षण केंद्र है अमरकंटक, शिवपुरी, लखना दोनों में। वन व्रत से राजस्व अधिकतम होता है, सबसे ज्यादा होशंगाबाद को प्राप्त होता है, न्यूनतम ग्वालियर को। पचमढ़ी 2009 में और अचान कमार एमपी छत्तीसगढ़ में, पन्ना 2011 में, जैव मंडल आरक्षित यूनेस्को विश्व नेटवर्क से मान्यता प्राप्त है। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एप्को 5 जून 1981 को एमपी सोसाइटी पंजीयन एक्ट 1973 के तहत बनाया गया था। टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी 1997, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किए। अब राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर लें तो कन्या काना किसली है, जो ये 1933 में बनाया अभ्यारण्य, 1955 में पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। शुभंकर है भोर सिंह बारहसिंगा, यहीं पाया जाता है। ये हालो घाटी मंडला और बंजर घाटी बालाघाट में, हाईलैंड ऑफ सेंटर इंडिया के फारसन, वर्ल्ड एनिमल इन सेंट्रल इवनडेल ब्रांड। यहाँ एक हवाई पट्टी है, बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांवर यहाँ पाए जाते हैं। दूसरा हमारा बांधवगढ़, ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में, ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है,
1968 में राष्ट्रीय उद्यान बना, 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर बना। बाघों का घनत्व सर्वाधिक है यहाँ, प्रति 8 किलोमीटर में ए। ठीक है, सफेद शेर गोविंदगढ़ रीवा में पाए जाते हैं, और यहाँ बाघ बाघ तेंदुआ चीतल सांगर प्रमुख तो पाए जाते हैं। फिर हमारा पेंच, इसे इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी बोला जाता है। 1983 में ये स्थापित हुआ, 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया। ये छिदवाड़ा और सिवनी में आता है। ठीक है, अभयारण्य संरक्षण परियोजना यहाँ वर्ल्ड बैंक द्वारा चलाई गई थी। इसका क्षेत्रफल है 293 वर्ग किलोमीटर और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा में है। पन्ना की बात करें तो 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बना, 1995 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसे शामिल किया। इसका क्षेत्रफल है 542.67 वर्ग किलोमीटर। अगला सतपुड़ा, ये होशंगाबाद में प्रोजेक्ट टाइगर में पांचवा है, ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया। 1981 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना था। क्षेत्रफल है 585.17 वर्ग किलोमीटर। संजय राष्ट्रीय उद्यान डोंगरी में है, डोगरी भी बोला जाता है, सीधी एमपी में है जी, और कोरिया छत्तीसगढ़। 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बना, 2008 में छठवार टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ शुरू किया। क्षेत्रफल है उसका 466.657 वर्ग किलोमीटर। फिर हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये 1958 में बना, आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से ऊपरी यहीं से गुजरता है। जॉर्ज कौशल भवन यहीं है, शांत सागर झील भी यहीं है माधव राष्ट्रीय उद्यान के पास। सोन चिड़िया भी यहीं माधव राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 1983 में स्थापित हुआ, डिंडोरी में है, वनस्पति जीवाश्म संरक्षित है। नौवां है अपना वन विहार, झीलों के रमणीय स्थल भोपाल में है, 1979 में स्थापित हुआ। एमपी के सभी प्राणी यहाँ पाए जाते हैं। क्षेत्रफल है 4.45 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 2010 में के धार में, क्षेत्रफल है 0.89 वर्ग किलोमीटर। ओकारेश्वर है एक खंडवा में। अब पशु या पक्षी हेतु अभयारण्य देख लेते हैं। चंबल राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय अभयारण्य मुरैना में, यहाँ घड़ियाल मगर पाए जाते हैं। सोन नदी अभयारण्य सीधी शहडोल में, यहाँ घड़ियाल मगर पाए जाते हैं। केन नदी अभयारण्य छतरपुर में, घड़ियाल मगर पाए जाते हैं। सैलाना अभयारण्य रतलाम में दूधराज पाया जाता है। सरदारपुर अभ्यारण धार में खरगोन पक्षी दूधराज यहाँ पाए जाते हैं। घाटी गांव अभ्यारण ग्वालियर में सोन चिड़ैया पाई जाती है। करेरा अभ्यारण शिवपुरी जिले में सोन चिड़ैया चिड़िया यहाँ पाई जाती है। नौरादेही अभ्यारण सागर में नीलगाय यहाँ पाई जाती है। गांधी सागर अभ्यारण मंदसौर में नीलगाय यहाँ भी पाई जाती है। पर्यावरण संरक्षण संस्थान पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एफको भोपाल में स्थापित है। इसका 5 जून 1981 में स्थापित हुई। पर्यावरण संबंधी शोध शिक्षण प्रशिक्षण एवं प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए किया गया था। आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में 19 नवंबर 1987 में स्थापित की गई। इसका उद्देश्य प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के दुष्प्रभावों को कम करना। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल में 1974 में स्थापित। इसका उद्देश्य विभिन्न तरह के प्रदूषण को नियंत्रित करना। अब वन्य जीव अभ्यारण्यों की बात कर लें तो बगदरा, यह सीधी में, इसका क्षेत्रफल है 478 वर्ग किलोमीटर। काला हिरण तेंदुआ नीलगाय यहाँ पाए जाते हैं। फैन है ये मंडला में वन्य जीव अभ्यारण्य 110.74 वर्ग किलोमीटर है, शेर तेंदुआ पाए जाते हैं। अगला है बोरी, ये होशंगाबाद में 646 वर्ग किलोमीटर, शेर तेंदुआ चीतल पाए जाते हैं। मंधाता एक खंडवा में, सुरमनेया खंडवा, कालीभीत बैतूल में,
फीवाड़ा अलीराजपुर में है, ठीक। मंदता है जो खंडवा में, ये जीव अभयारण्य है। सुरमनेया ये खंडवा में, कालीभीत बैतूल, कठीवाड़ा अलीराजपुर। होशंगाबाद बोरी ये देख लिया सिर। वह अपना गांधी सागर मंदसौर में ये भी देख लो, ठीक है। घाटी गांव है जो ग्वालियर में है, 510 वर्ग किलोमीटर, 10.640 वर्ग किलोमीटर। करेरा शिवपुरी में 202 वर्ग किलोमीटर। कैन है जो घड़ियाल अभयारण्य छतरपुर में, 45.201 वर्ग किलोमीटर। खेवनी है देवास सीहोर में, 122.70 वर्ग किलोमीटर। चंबल राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय चंबल उद्यान है जो मुरैना में, 39.2 वर्ग किलोमीटर। नोरा देही है ये सागर में, दमोह में सबसे बड़ा है ये, 39.3 है, 2 है वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा नोरा देही है जो सागर में, दमोह में सबसे बड़ा है, 11.1194.672 वर्ग किलोमीटर। पचमढ़ी होशंगाबाद में, 415.904 वर्ग किलोमीटर। पनफथा ये शहडोल में, 245.84 वर्ग किलोमीटर। पूनो पालनपुर, पालपुर ये सीहोर में, शिवपुर में 244.68। पैंच है सिवनी छिदवाड़ा में, 449.39 वर्ग किलोमीटर। राता पानी जिस रायसेन सीहोर में, 688.79 वर्ग किलोमीटर। संजय सीधी में, 364.59 वर्ग किलोमीटर। सिंधौरी ये रायसेन में, 287.91 वर्ग किलोमीटर। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य सीधी शहडोल में, 41.8 वर्ग किलोमीटर। सरदारपुर है ये धार में, 348.12 वर्ग किलोमीटर। सैलाना है रतलाम में, 12.96 वर्ग किलोमीटर। 21वां राला मंडल सबसे छोटा है इंदौर में, 5 वर्ग किलोमीटर। ओरछा ये टीकमगढ़ में, 44.91 वर्ग किलोमीटर। लेकिन अब पता है आप, जब से निवाड़ी एक नया जिला बन गया अक्टूबर 2018 में, तब से ये निवाड़ी में आने लगे। नरसिंहगढ़ है राजगढ़ में, 57.19 वर्ग किलोमीटर। दमोह है रानी दुर्गावती, 23.97 वर्ग किलोमीटर। गंगऊ पन्ना में है, 68.14 वर्ग किलोमीटर। मयूर है जो झाबुआ में, कामधेनु गोअभ्यारण्य आगरमालवा में, और केवनी देवास सीहोर में, 122.7 वर्ग किलोमीटर। चलिए तो हमने 14वां पार्ट देख लिया एमपी स्पेशल का, अब 15वें पार्ट में बात करेंगे हम खनिज संपदा के बारे में। चलिए इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं।